الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. जज़ाकअल्लाह खैरन। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बाराने रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। हमने अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कारी यूसुफ़ की खूबसूरत आवाज़ में किया और आप किरत कर रहे थे सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 18 से 21 तक का, जिसमें अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर हमें तनबीह करते हैं तिजारत के हवाले से भी, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का इसमें वाक़या भी बयान किया गया। अगर इस वाक़े की असल रूह को देखा जाए तो इसमें हसद और रश का एक सर आपको अयां नज़र आएगा। यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसा हुस्न बख्शा था, इतने वो जाज़िब नज़र थे, फिर अपने वालिद से उनकी मोहब्बत का ये आलम था, उनके वालिद उन पर जान निछावर करते थे, कि अपने ही भाई उनसे नाला हुए, हसद करने लगे, यहाँ तक कि उनको बेचने से, उनको मारने से भी गुरेज ना किया। तो ये बड़ी अहम बात होती है कि इंसान का जो यू नो एक तरह से गुरूर है या हसद है, वो ना सिर्फ उसको ख़त्म कर देता है, उसके रिश्तों को जला देता है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। सूरह फलक में जब हम अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं तो हसद करने वाले के हसद से पनाह मांगते हैं, लेकिन इसमें यह नहीं कहा गया कि कोई आपसे अगर हसद करे तो अल्लाह ताला मुझे उससे पनाह दे देना, बल्कि आप भी अगर इस कैफियत में मुब्तला हो जाएं तो आप अपना ज़्यादा नुकसान करते हैं दूसरे की नस्बत। तभी कहा गया है अगर किसी नॉन मुस्लिम से पूछा जाए या जो लोग इस्लाम को नहीं समझते, जिस तरह का इस्लाम के हवाले से, इस्लामी माशरे और हमारी फतूहात और तारीख के हवाले से एक दुनिया में परसेप्शन बना है, तो आम तासुर ये दिया जाता है कि शायद यानी इस्लाम का जो सेंटर स्टोन है, जो कॉर्नर स्टोन है, वो शायद जिहाद है, जिसमें सिर्फ मुसलमानों को ये तलकीन की गई है कि अल्लाह की राह में लड़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो और काबिज हो जाओ पूरी दुनिया पर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने पिवट पॉइंट को देखते हैं अपने दीन के, अपने ज़ाबता हयात के, तो इसका असल अंसर एहसास और रहमत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अगर हम नज़र डालते हैं, कुरान हकीम की तरफ अगर हम देखते हैं, हम तो अपने इस पाक किताब का आगाज़ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करते हैं, यानी अल्लाह ताला को जब हम पुकारते हैं तो उसकी रहमत का हवाला देके कि या अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है। और यही उलूम अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सिखाए हैं। कुरान हकीम में दर्ज है कि आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बना के भेजा, यानी तमाम रहती दुनिया तक के लिए आप और मैं जो वो उम्मती हैं जिनका यू नो हम इतने अगले ज़माने में आए हैं कि ना हमारा कोई वास्ता है, हम तक जो तालीमात भी पहुँची हैं, हमारे लिए ढेरों मुश्किलात हैं, लेकिन ये यकीन है
कि रहमतुल आलमीन ने अपनी उम्मत के लिए हमारे लिए दुआएं की हैं। तो इसी हवाले से मेरे ख्याल में हम में से अगर वाकई जजमेंट हम किसी के लिए नहीं कर सकते, तमाम ही लोग अपने आप को इम्परफेक्ट समझते हैं, ख़ताओं से गुनाहों से हमारा अमालनामा भरा हुआ है, लेकिन हाँ हम में से शायद बरतरी वो लोग रखते हैं जो दूसरों पर रहम करते हैं, जो दूसरों का एहसास करते हैं, जो अपनी ज़िंदगी का अपने वसाइल का अपने वक्त का एक हिस्सा उनके नाम करते हैं जिनके इनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और अल्लाह ताला ने भी हमें इसकी तरफ रुजू करने के लिए कई हवाले दिए। कभी ये कहा कि मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ जो रहम करता है, जिसके दिल में एहसास है। कभी ये कहा कि अगर तुम घबरा जाओ, टूट जाओ, तो अल्लाह ताला से तिजारत करो। तिजारत का तरीका भी यही बताया कि उसकी मखलूक के साथ सिले रहमी से पेश आओ। तो इसी एहसास के साथ कि आज जो इतना ज़्यादा अफरा तफरी का दौर है, मुश्किलात का दौर है, और उस पर और मज़ीद मुश्किल ये आ गई कि इस वक्त गर्मी की भी इंतहा है, हम कोशिश करेंगे कि अपने टेम्पर्स पे हम काबू रख सकें। हम कोशिश करेंगे कि दूसरों के साथ मोहब्बत से, शफकत से पेश आ सकें। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, कुछ ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं और कुछ ख़ास पकवान बनाएंगी मेरी दोस्त शेफ सामिया। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। और सबसे पहले जी, जितने लोगों की लॉकडाउन के दौरान सालगिरह आई है, आप महसूस कर सकते हैं कि ना आपने पार्टी दी, लोग आपसे दूर दूर से सिर्फ वीडियो कॉल पे या फिर आपको फेसबुक पे विश कर पाते हैं। तो अगर आप इतने ज़्यादा लकी हैं कि आपके दोस्त आपके करीब हैं, तो फिर दोस्तों का भी फ़र्ज़ है कि आपको बिल्कुल ना भूलें। तमाम बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त और आपके लिए रोज़ाना ज़बरदस्त रेसिपीज़ लाने वाली शेफ सामिया हमारे साथ मौजूद हैं और आज उनकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। मुझे इतने साल से मैं मीडिया पे हूँ, कुकिंग शो कर रही हूँ, आज पहली दफा लाइव ट्रांसमिशन में मुझे बर्थडे विश की गई है। क्या कभी इत्तेफाकी नहीं हुआ कि कुछ इस किस्म का कभी कभी ऐसा हुआ भी नहीं होगा कि तुम अपने बर्थडे वाले दिन किचन में खड़ी कुछ बना रही नहीं मैं हमेशा ऐसा होता है, अब तो फीडर्स बनाने में, बच्चों के सिलेक्ट बनाने में ही निकल जाता है। तो आज बताओ क्या ट्रीट कर रही हो? आज ट्रीट, हमारी बर्थडे तुमसे ही बनवा, मुझसे ही ट्रीट, मुझसे ही खाना, अक्सर यही होता है। सिद्रा के लोग मुझसे पूछते आज क्या खिला रही हूँ, मैंने कहा बर्थडे मेरी, ट्रीट आप लोग मुझे दें, मुझसे पूछते क्या खिला रहे हैं। आज मैं बनाऊंगी थ्रेड बॉल्स, ये बहुत आजकल इन है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है किरण यूसुफ, उनकी ये रेसिपी है और वो बहुत अच्छे से उसका रोल्स बनाती है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा डिफरेंट किया है, उसको थ्रेड बॉल्स बनाई है और मुझे वो बहुत अच्छी रेसिपी लगती है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ। अच्छा मुझे बताओ कि जो लोग व्हाइट ब्रेड अवॉइड कर रहे हैं, दिस कैन बी मेड विद ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ भी बनाया जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ चिकन के साथ होगा और उसके ऊपर जो मांडा पट्टी होती है उसके पतले पतले स्ट्रिप्स कटे हुए और वो लपेट के डीप फ्राई होगा। सही, उसके अंदर आपको कोई ब्रेड या कुछ नहीं है। ओके, और अगर आपका जो जो लोग डाइट पे हैं और खासतौर पर जो लोग कीटो पे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो लोग तो आमंड जो रोटी होती है उसके और पतली उसको बेल के उसको चिकन में रैप करके कोकोनट ऑयल के अंदर फ्राई कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा जो है आपका स्नैक बन जाता है। सुपर। सो अब ये देखिए, ये एक एडिड मुश्किल हो गई है। मुझे याद है अल्लाह जन्नत नसीब करे, जुबैदा आपा के साथ कभी हम शो करते थे तो वो हर चीज़ को अल्टरनेटिव बताती थी, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर जुबैदा आपा के सामने हम ये बात करते कि जी कीटो है इसका अल्टरनेटिव बताइए, उन्होंने तो बहुत डांटना, वो तो बहुत डांटती हूँ बल्कि वो नाराज हो जाती है, नाराज हो जाती है कि ये कोई अच्छा खाओ, ताकत की चीजें खाओ, तुम लोगों को जरूरत है। वो अक्सर ये बात बोलती थी कि अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो, और खासतौर पर औरतों को तो कहती थी कि तुम्हें तो नस्ल आगे बढ़ानी, तुम्हें तो बहुत ताकतवर। अच्छा, खास कोई ऐसा दिन होता है तो आपको अपने प्यारे, अपने बुजुर्ग और हमारे सीनियर जरूर याद आते हैं, और जिस तरह के आज हम प्रोग्राम के शुरू में बात कर रहे थे कि सिला रहमी, एहसास और रहम का होना, हमने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा है। जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं वो हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, मेंटोरशिप उनकी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में अगर कहीं कोई कमी देखें। मिसाल के तौर पे आज हमारे सामने ये आया है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम परफेक्ट नहीं है, तो सोचिए आपके और मेरे पास तो वसाइल हैं, महदूद ही सही लेकिन वसाइल हैं, जब हमारे लिए मुश्किलात होती हैं तो ज़रा अपने से नीचे मुड़ के देखिए कि जिनके पास वाकई कुछ नहीं है उनके लिए कितना बड़ा मुश्किल है। यानी उनके सामने तो ये चॉइस है कि या तो खाना खा लें, या किराया दे दें, या इलाज करवा लें।
और यही वजह है कि बहुत दफ़ा वो अपने इलाज को तरजीहात में शामिल नहीं रखते। तभी हमने देखा कि हमारे मुल्क में कई ऐसे इदारे हैं, और खुसूसन क्योंकि मैं कराची से हूँ, मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ इंडस हॉस्पिटल की एक इन काविशों पर। एक ऐसा ख्वाब जिसमें डॉक्टर बारी ने ये सोचा कि यकीनन एक ऐसा हस्पताल, एक इदारा ऐसा मुमकिन है जहाँ पर लोग आएँ और बिल्कुल पैसे ना दें और कोई उनसे उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें और उनका इलाज बेहतरीन अंदाज में हो। आज ये ख्वाब हकीकत बना और इसमें आपकी और मेरी सपोर्ट इसके लिए हमेशा रहनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी, ऑफ कोर्स हम बात करेंगे इंडस अस्पताल के हवाले से भी, और हमारी सोसाइटी, हमारे अगर आप शो बिज़नेस को भी देखें, बहुत सारे स्टार्स इस ज़बरदस्त कोर्स को सपोर्ट करते हैं। उसी में हमारे सीनियर आर्टिस्ट एंड ऑफ कोर्स समबडी हु इज़ नोन एज अ लिविंग लेजेंड व्हेन इट कम्स टू कॉमिक एक्टिंग एंड ऑफ कोर्स ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिंग, हमारे साथ मौजूद हैं बहरोज़ सब्ज़वारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दोनों को रमज़ान बहुत बहुत आपको भी जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भाई, अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूं, क्योंकि आपसे राइट बिफोर रमज़ान भी मेरी मुलाकात हुई थी और उस वक्त कोरोना क्राइसिस में आप लोग फोर फ्रंट पे थे, सबसे पहले उसी पे बताइए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। 20,000 को हम क्रॉस कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, अभी अभी पीक अचीव नहीं आया नहीं है हमारा, जो कि अभी अगले दो हफ्ते में एक्सपेक्टेड है कि होगा, और केसेस बढ़ रहे हैं, गो के सीरियस केसेस में इतनी से वो नहीं है जी। लेकिन फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं, और वो भी इसीलिए हम चाह रहे थे कि ये ईज़ आउट जो भी है उसको भी स्लो किया जाए, ताकि जो है ना मरीज़ जो है ना अगर ट्रिकल हो के करते रहें तो आसान होगा जाएगा, बनस्बत इसके एकदम प्रेशर पड़े हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। और पहले आप लोग सब लोग ये कहा करते हैं कि जी हेल्थ केयर वर्कर्स जो है ना हमारा फ्रंट लाइन है, तो मैंने उसको अब तब्दील कर दिया, फ्रंट लाइन कम्युनिटी है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर ये सब कुछ है, और कम्युनिटी ने अगर सही तरीके से बिहेव नहीं किया तो हम लोग लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग कम्युनिटी वाले लोग अगर एहतियात नहीं करेंगे, सेल्फ जब तक कोई सेल्फ डिसिप्लिन नहीं करेगा, सेल्फ डिटेंशन नहीं करेगा अपने आप को, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो वो अगर ब्रेक हुआ तो फिर सारा आएगा डिफेंस लाइन के ऊपर, और अगर डिफेंस लाइन लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगर ब्रेक कर गई तो फिर कहेंगे कि हमारे क्या सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक बहुत बीच में मीडिया ने बात करनी शुरू की कि हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, व्हाट्स द सिचुएशन राइट? देखिए उसमें भी हो रहे हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली वो लोग कम्युनिटी से हो रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर उनमें कन्वर्जन नहीं आ रहा है, वो ज़्यादातर कम्युनिटी में, क्योंकि जब आप जाते हैं, क्योंकि जब एक बंद माहौल में आपने मरीज़ों को देखना होता है, फिर जब आप निकलते हैं थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, तो उसमें फिर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी जैसे कुछ लोग ऐसे हुए थे कि वो ट्रांसपोर्ट में जो ड्राइवर था वो पॉजिटिव था, तो वो लोग हो गया उससे, इसीलिए ये एहतियात की बातें की जाती हैं कि एहतियात किया जाए इसके अंदर। और वही सूरत में ये कहता हूँ कि लोगों को पहले तो मुल्क का ख्याल करना चाहिए, फिर मुल्क नहीं तो अपने शहर का ख्याल करना, नहीं तो अपने मोहल्ले का ख्याल करना चाहिए, अगर उसका भी नहीं है तो कम से कम अपने घर का ख्याल करें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि गैर ज़रूरी तौर पर आप बाहर निकले और आप अगर आप पॉजिटिव हो गए तो आपसे अगर आपके माँ बाप को, आपके दादा दादी को, नाना नानी को लग गया और ख़ुदा ना खास्ता उनका इंतकाल हो गया, तो सारी उम्र कोई आदमी भी इस कर्ब के साथ जी नहीं सकेगा कि मेरी वजह से मेरे बुज़ुर्गों को ये हुआ। तो इसके साथ साथ एहतियात हम सब पे लाजम है, लेकिन अंकल मैं भी नोट कर रही थी कि आपने यू हैड कंट्रीब्यूटेड टू द ऑनलाइन फंड रेजिंग, एक प्रोग्राम अभी इंडस के लिए हुआ, और अब तो हर चीज़ ही यानी सोशल डिस्टेंसिंग को बाकायदा खुद लेके चल रहे हैं। इस बात पे भी बड़ी तनकीद आ रही है कि हम टेलीविज़न के थ्रू लोगों को बताते हैं, लेकिन हमारा शुमार भी एसेंशियल सर्विसेज में होता है, तो हमने तो रोज़ आके बात करनी है, तो ये एक अजीब कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हम सब के लिए है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को और इंडस हॉस्पिटल को मुबारकबाद, क्योंकि मैं इनसे मुंसलिक हुआ हूँ चंद माह पहले, और ज़बरदस्त काम है इनका माशाल्लाह, और हम सबको, क्योंकि वो बेसिक इंडस हॉस्पिटल चैरिटी पे चलता है, मकसद है कोई ऐसा इनको फंड्स नहीं आते कहीं से, गवर्नमेंट से या एड्स या इस किस्म की जो होती है फॉरेन एड्स, सिर्फ चैरिटी पे। और यकीन जानिए हमारा मुल्क इतना ज़बरदस्त इस मामले में इतना अमीर है, हमारे जो लोग हैं ख़ास तौर से मुखैर हजरात जो है जो फंडिंग करते हैं, जिससे अरबों रुपए का हॉस्पिटल चलता है, और कोई कैश काउंटर नहीं है इंडस हॉस्पिटल में, यकीन जानिए मैंने खुद देखा है, मैं जाता हूँ वहाँ,
कोई पर्ची सिस्टम नहीं है, लाइन में लगे, चाहे कोई हो, चाहे आप अमीर हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किसी किस्म का भी इलाज हो वो बगैर किसी पैसे के हो जाएगा, यानी आपके टेस्ट से लेके आपके इलाज तक। कितनी बड़ी खिदमत है ये, इंसान बहुत बड़ी बात है। और कराची जैसे शहर में जो कि आप समझ सकती हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे हैं, सब कुछ है, लेकिन इंडस हॉस्पिटल क्लियर जिसे कहते हैं। दूसरा जो आप बात कर रही हैं कि ज़ाहिर मीडिया भी बिल्कुल अटैच्ड है, क्योंकि रोज़ ट्रैवल करके आना, फिर और भी सारे हमारे सारे टेक्नीशियन, सारे वर्कर्स, तो सबको ख्याल रखना है। असल में इंडिविजुअली हमें अपने, हम असल में आगे ही ये पैदा करनी है कि हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। सही। ये बेसिक ये है, इसके लिए हाथ धोने ज़रूरी है, इसके लिए सैनिटाइज़र यूज़ करना है, इसके लिए मास्क पहनना है, गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलना आपने, लेकिन ज़रूरी भी निकलना पड़ता है। अब हम निकल के आए ना, स्टूडियो पहुँचे, लेकिन ये मैं समझता हूँ हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है, लोगों की को आगही इस बात का पता होना। तो बस मैं तो ये समझ पाया हूँ इस लॉकडाउन में, सिद्रा यकीन करो, क्योंकि घर बैठे रहे, काम काज नहीं है, घर में वक्त गुजार, कि अल्लाह जो हम उस पर यकीन रखते हैं, अल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी मुसलमान है, हमारा तुर्रा इम्तियाज ही है नबी पाक की, बेशक उम्मती है, तो अब वो इतना पुख्ता यकीन हो गया है इस कोरोना ने, ऐसा अल्लाह ताला, जाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से है और वही इससे निजात दिलाए, उसकी रबूवियत पे इतना पक्का यकीन हो गया है कि सबके जो जहनों में जो बना हुआ था ना कि हम ये हैं, हम वो हैं, वो सब पाश पाश हो गया है। लेकिन कई चीज़ों में अंकल ये भी तो देखे ना, काया बिल्कुल ओवरनाइट पलट गई है। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं डॉक्टर भाई, आप जिस तरह कह रहे लोगों को कि इस वक्त एहतियात करें, घर में रहें, लेकिन जो देने वाला हाथ था वो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त लेने वाला हाथ बन गया। तो क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जिनका रोजगार खत्म हो गया, किस तरह सब्र करें, क्योंकि उनको तो लगता है कि इस वक्त उनको बाहर निकलना, काम करना और पिच करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये उसके ऊपर ख्याल भी करना चाहिए। ये देखें, अल्लाह ताला के इम्तिहानात हैं और इस इम्तिहान से आदमी को गुजरना है, और इंशाल्लाह इसके बाद अल्लाह ताला की रहमतें भी आएंगी, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह में कि अल्लाह की रहमत में कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला हम सब दुआ करें कि अल्लाह ताला की रहमत जोश मारे और कल ठीक हो जाए सब इंशाल्लाह। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो हम जो मॉडलिंग करते हैं या हम इसका जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि इतना हो जाएगा, अल्लाह करे कि वो सब गलत हो, अल्लाह करे कि वो सब गलत हो, लेकिन साइंस को समझना है। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो है ना वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना चोंच दबा के बैठ जाएँ कि जब जो होगा, अपने तई अपनी पूरी कोशिश करनी है, और इसके बाद हमको अपनी ज़िंदगी में एक तब्दीली लानी है। देखें, एक तो ये अल्लाह ताला ने कि कोई चीज़ है, एक छोटी सी चीज़ सारी दुनिया को मतलब हिला दिया है, तो अल्लाह ताला की ये अभी तो बहुत सारी चीज़ें आई नहीं आई, भाई एक छोटी सी चीज़ ने ये कर दिया है, तो अब हमारा डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है ज़िंदगी से, हमारा अपना आउटलुक भी चेंज हो जाना चाहिए कि हमको करना क्या है। लेकिन जो कुछ, बहुत सारे लोग, एक साहब मेरे पास गए तो मैंने तो फैसला कर लिया है कि मेरे पास जो कुछ है मैं भी दे दूँ, मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कल को कुछ ना हो, तो अब तो ये रख के मैं क्या करूँगा, कल मैं हूँ या ना हूँ। अच्छा ये देखिए कितना मुख्तलिफ नज़रिया है, एक वो है जो इस बात पर परेशान है कि शायद मैंने पहला वक्त गवा दिया, मुझे और समेट लेना चाहिए था, और एक वो शख्स है जो साहिब सरवत है, वो कहे कि मुझे तो कल का भी नहीं पता तो मैं किस ड्रेस में लगा हुआ, मैं तो ये भी दे देना चाहिए। काफ़ी लोगों में ये आया है, काफ़ी लोगों का बिल्कुल, देखें आप खुद को, आपको अपना भी एहसास होता है कि जब आप काम में लगे हुए होते हैं, अपनी मसरूफियत में होते हैं, तो आपको कुछ एहसास नहीं होता, क्योंकि आप जो है ना अल्लाह से दूर हो रहे होते हैं। अब ये वक्त ऐसा है कि सब अल्लाह की तरफ रहेंगे, देखे अल्लाह ही सकता है, दवाई कोई है नहीं अभी तक, तो और अल्लाह के लिए कोई कमी नहीं है, अल्लाह मियां तो कह दे बस कुन फयकुन हो जाए, उसकी कुन का इंतजार है, और सबको दुआ कर दी चाहिए कि अल्लाह ताला इससे हमारी जान छुड़ाए जल्दी से। डॉक्टर भाई, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ, मुझे तो वो वाकया, वो किस्सा पता है जिस तरह आपने कहा कि एक ख्वाब था, और कई लोगों ने आपको डिस्करेज किया होगा कह के कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आपके पास कोई हुकूमती सपोर्ट मरात नहीं है, ऐसा हस्पताल बनाना जिसमें आप कहें कि जी किसी से कोई एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा और रोज़ाना इलाज भी होगा, लोगों ने कहा ये ख्याली पुलाव है, नहीं मुमकिन है।
तो फिर कैसे मुमकिन हुआ, नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया, कैसे अल्लाह ताला ने इसके लिए असबाब बनाए, इसके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, वापस आते हैं तो आपके सामने रखते हैं एक बहुत ही खूबसूरत इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ द इंडस हॉस्पिटल। हमारे साथ रहिए। थे एक ख्वाब की, एक एहसास की, सिला रहमी के इस जज्बे की कि बेशक अगर कोई बीमार है तो उसको अपनी जेब की तरफ ना देखना पड़े अपने इलाज के लिए। ये ख्वाब जब डॉक्टर बारी ने देखा तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई ने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, एक छोटा मोटा क्लिनिक एक हफ्ते के लिए चलाना तो मुमकिन है लेकिन 800,000 बिस्तरों का एक हस्पताल और रोज़ाना की बुनियादों पर यह तो मुमकिन ही नहीं है। फिर ये किस तरह हो पाया, कैसे अल्लाह ताला ने असबाब दस्ते गैब से उनके लिए मुहैया किए, आइए हम जानते हैं। डॉक्टर बारी, किस तरह शुरुआत हुई और हाउ ये कारवां कैसे बना? सफ़र शुरू हुआ डॉ मेडिकल कॉलेज से जी। जो वहाँ पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, क्योंकि जो मरीज आता था वो हर एक मरीज की एक कहानी होती थी, कोई अपनी बकरी बेच भैंस बेच के अपना घर बेच के आता था, यहाँ तक के वालदैन ये भी कह करते थे कि अल्लाह ताला बच्चे को उठा ले। इस हद तक मतलब लोगों के ये इतना कर्ब होता और गुर्बत का इतना एहसास था। तो PWA वहाँ पर मेडिसिन दिया करती थी, उसके बाद फिर एक ब्लड बैंक बना, जब तक उस वक्त तक कोई चैसी लोग जो है ना अपना ब्लड भेजा कर करते थे वो हस्पताल पे गए प्रोफेशनल, तो उसकी वजह से ये हुआ। तो फिर हमने अपने पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक बनाया। 1986 में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था अब्दुली बाज़ार के अंदर, जिसमें सैकड़ों लोग मरे, हज़ारों ज़ख्मी भी हुए। तो हमें याद है, मुझे याद है, मैं हाउस जॉब शुरू किया था, मैंने डेड बॉडीज़ में से ज़ख्मियों को निकालना और फर्श पे ट्रीट किया था। सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी बहुत बुरे हाल में थी, तो हमने फिर उसको रेनोवेट करने का शुरू किया कि हम इसको नया करते हैं। 36 लाख रुपए का बजट बना और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को मनी बॉक्सेस दिए, गुल्लक दे दी थी उन्होंने, और बच्चों ने 36 लाख में से 24 लाख रुपये बच्चों ने जमा, 3 लाख रुपये रोजगारी थी, 5 पैसे 10 पैसे 4 आने 8 आने कॉइन्स के हिसाब से। उस जमाने में बड़ी बात होती थी 24 लाख रुपए बच्चों के, करोड़ों से ज़्यादा था। तो तब हमने फिर कुछ हिंड्रेंसेस भी थी, तो तब जब इनॉग्रेशन के लिए एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था तो मैंने अपने साथियों से कहा था कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो एक दिन इंशाल्लाह ऐसा अस्पताल बनाएंगे कि जो कि क्वालिटी केयर करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। तो ये ख्वाब 1987 में देखा गया। तो लोग हम कहते हैं कि जो ख्वाब तो वो होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, असल ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो बस उसने वो ये जस्टू जारी रही। फिर मैं वहाँ से ट्रेनिंग के लिए, मेरे साथी कुछ बाहर चले गए, मैं पाकिस्तान में रहा, मेरे वालिद साहब को पैराप्लीजिया था तो फिर ICBD में गया वहाँ अपनी ट्रेनिंग कार्डिक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पर दो थिएटर थे, 10 बेड का ICU था, वेटिंग लिस्ट 3 साल थी और हमें पता था कि आधे से ज़्यादा मरीज वापस नहीं आएंगे। 3 महीने के अंदर 15 करोड़ रुपये जमा हुए, 2 थिएटर ऐड हुए, ICU डबल हो गया, वेटिंग लिस्ट 6 माह पे आ गई। 1996 में मैंने फेलोशिप की, डॉ मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई बगैर किसी वॉट के, और ये भी खबर मिल गई कि जी अगले 3 साल कोई पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कुछ लोगों को जमा किया, फ्रेंड्स ऑफ कार्डिक सर्जरी बनाई और फिर 2000 में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तक 9000 ऑपरेशन हो चुके हैं वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। 2004-05 में मेरे साथी वापस आ गए थे, इनको जमा किया कि हमने ख्वाब देखा था, अब इसका वक्त आ गया। तो 2005 में हमने जहाँ पर इंडस हॉस्पिटल कोरंगी क्रॉसिंग में वहाँ काम शुरू किया मई में, पैसे नहीं थे लेकिन यकीन था अल्लाह के और यहाँ से था कि ये अल्लाह करेगा, क्योंकि अल्लाह के लिए कुन फैकून है, हम सब कुछ भी करेंगे बेशक। तो बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ और जैसे आपने कहा कि लोग कहते थे कि मजाक है। इसमें मेरा फेवरेट पार्ट होता था जो इस वक्त शायद डॉक्टर साहब ने नहीं बताया, 2005 में जब बुनियाद रखी गई और वसाइल कम थे तो ही टेल्स मी कि ही वंस वेंट टू द हिल पार्क और हिल पार्क सुबह जॉगिंग कर रहे थे, ख्यालात यही थे कि कैसे होगा, कहाँ से चीज़ें आएंगी इकट्ठी होंगी, एंड ही सॉ अ मैन जो आटे की गोलियां बना के वहाँ पे डाल रहा था, एंड ही सेड कि जब मेरा रब इस इतने बड़े शहर, इतना गहमा गहमी का तेज़ रफ्तार शहर में चूटियों का भी वसीला बना देता है तो यकीनन ये तो उसकी खलकत है, उसके लिए तो हो जाएगा। लेकिन व्हेन यू बिकेम अ पार्ट ऑफ इट और आप इनके साथ इतने अरसे से, आपका कुछ माँ भी हो गए फंड रेजिंग का भी, आपके दिल को सबसे ज्यादा क्या चीज़ खींचती है? मैं इस वक्त रोजे से हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झूठ बहुत कम से कम में हूँ, वैसे तो नहीं बोलता, सिद्के दिल से बता रहा हूँ कि जितनी तकवियत मुझे
पिछले 6-8 माह में इंडस हॉस्पिटल के साथ जो भी मैं कर रहा हूँ पता नहीं अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। नहीं, जरूर करेगा सर, इसलिए पता नहीं कहाँ करेंगे, अल्लाह करेगा। जितना मुझे तकवीत मिली है ना ये काम करके, मैं 52 बरस से टेलीविजन में काम कर, अल्लाह ने बहुत छोटी उम्र में मुझे शोहरत से भी नवाज दिया, सब कुछ दे दिया, बहुत अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे माँ बाप, सब कुछ। लेकिन जो औलाद बहुत अच्छी, जो तकवीत मुझे अब मिली है ये काम करके, क्योंकि ये बेलॉस काम है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये इंसानियत की खिदमत का काम है। कभी आप मायूस हुए हैं? जैसे कई दफ़ा हम सुनते हैं ना, अभी डॉक्टर भाई से भी सुन रहे थे, सफ़र है, सफ़र में लोग कई दफ़ा तरह की बातें कहते हैं मुश्किल है आपका ख्वाब। आपने कभी ज़िंदगी में कोई मायूस दौर गुजारा और फिर हाउ डिड यू बाउंस बैक? क्योंकि लोग आप लोगों की तरफ देखते हैं तो अंडरस्टैंड कि आपने अपनी बैटल्स कैसे लड़ी हैं। सित्रा, पता नहीं आप, मैं तो, आप माशाल्लाह हमारे सामने की बच्ची हैं, जाहिर है अभी भी स्टिल। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं नेगेटिविटी की तरफ जाता ही नहीं हूँ, मेरा गुजर ही नहीं है वहाँ से। तो मैं कभी भी मायूसी को अपना मेहमान नहीं बनाता। मैं आपको, अगर आप मुझसे बात नहीं, जब प्लान्स आपके मुताबिक ना चलें, कोई चीज आपके मुताबिक ना हो, और इंसान के कितने ख्वाब टूटते हैं जिंदगी। मौला अली का भी तो कॉल है ना, कितना जबरदस्त, कि मैंने अपने इरादों को के टूटने से पहचाना। तो ये तो कमाल की बात है, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बहुत खुशकिस्मती है। और मैं उन सब, इनकी टीम इतनी जबरदस्त है, इसमें बड़े बड़े लोग हैं। हम जब टूर कर रहे थे तो मल्टी बिलियनर, नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो माइंड करे, वो हमारे साथ ट्रेवल कर रहे थे अपने टिकट पे, अपने खाने पे, अपने होटल के खर्चे पे, और मेरा बैग भी कहते थे, बैरो साहब आपका बैग उठा लूं मैं। ह्यूमिलिटी कहते हैं ना, दरख्त की वो डाल जो सबसे ज्यादा फलदार होती है वही झुकी हुई होती है। आपको दिखाते हैं जी, ये टीम का यहाँ पे जिक्र हुआ। वाकई व्हेन यू हैव एन इंस्टीट्यूशन जिनके लीडर्स इस तरह से हों, जिनका एक विजन हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, तो साथ काम करने वाले डॉक्टर्स और खुसूसन इस वक्त के जो ग्लोबल पेंडेमिक को फाइट कर रहे हैं, COVID-19 का जो वार्ड है वहाँ पर जो डॉक्टर्स देखभाल कर रहे हैं। अक्सर मैं चाहती थी कि हमने पूरा ये रमज़ान से पहले भी एक महीना उनके बारे में हम बात करते रहे, किस तरह वो हमारी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, कितना मुश्किलात के साथ हैं, और सबसे बढ़कर ये कि ये 15.5 घंटे का रोज़ा रख के जब मरीजों की देखभाल करते हैं तो क्या इनका इतना वक्त भी मिल पाता है कि सुकून से इफ्तार कर पाएं? आइए आपको दिखाते हैं। एमरजेंसी के जो डॉक्टर्स हैं, एक्चुअली हम लोगों की थोड़ी आदत हो जाती है इन चीज़ की, टफ स्केड्यूल की, क्योंकि हम लोगों का स्टार्टिंग एमरजेंसी हमेशा स्टार्ट से ही हमारे लिए टफ रहा है। तो अब तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की आदत हो गई है कि रमज़ान हो चाहे रमज़ान ना भी हो, हमारा स्केड्यूल ऐसा ही रहता है। देखें, नो डाउट प्रेशर तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हॉस्पिटल में हम सिर्फ कोरोना के मरीज़ देखते हैं, एक वो फ्रस्ट्रेशन होती है, घर जाते हैं तो एक आइसोलेशन का माहौल है। तो एक्चुअली हम लोगों के लिए तो ना फ्रस्ट्रेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम लोग 12 घंटे भी ड्यूटी लग रही है तो स्ट्रेस का शिकार तो हैं, तो लोगों से यही गुजारिश है कि स्टे सेफ, स्टे होम। रमज़ान के लिए हमारे शेड्यूल जो है नो डाउट कि टफ है, बट वी हैव टू मैनेज इट। हमारी मैनेजमेंट हमारा बहुत साथ दे रही है। नंबर ऑफ कोरोना जिस तरह से हमारे ये कंट्री में, हमारे सिटी में फैल रहा है, इसे मैनेज करना नो डाउट बहुत मुश्किल है, पर हम लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वी फील प्रोटेक्टेड, बट इन स्पाइट ऑफ दिस प्रोटेक्शन गर्मी ज़्यादा है, और रोज़े की हालत में 95 लगा के काम करना और उसमें मुस्तकिल बोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। जिस बात से तकलीफ़ ज़्यादा होती है वो ये होती है कि इन स्पाइट ऑफ मल्टीपल कॉशंस एंड मल्टीपल वार्निंग्स, पीपल आर रियली नॉट लिसनिंग एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ दिस सिचुएशन। अगर हम एहतियात करें, अगर हम अपने लिए और अपने घर वालों के लिए आसानी रखें, तो मेरा ख्याल है हम सब इस वबा से अपने आप को और अपने घर वालों को और अपने मुल्क को बचा सकते हैं। नेमतों से सजा हुआ ये दस्तरखान भी हो, लेकिन साथ साथ कितनी टफ़ ड्यूटी। हम कुछ डॉक्टर्स से पर्सनली भी मैं इंटरेक्ट कर रही थी, उन्होंने कहा कि आम दिनों में जब आपको भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त नहीं करनी है, तब भी अगर N95 मास्क लगाया जाता है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप ख़ुद ट्राई करके घर में देखिएगा, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका सांस घुट रहा है। ऐसी कड़ी सिचुएशन में आपके लिए काम करते रहना, अपने फ़र्ज़ को निभाते रहना, यकीनन हमारे सलाम के, हमारे सलूट के मुस्तहिक हैं। लेकिन हम इनकी मदद कर सकते हैं,
हैं, ये हमारे लिए अपने घरों से निकलकर हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में मौजूद हैं, लेकिन आप और मैं घर में रहकर इनकी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। अब ज़रा चलते हैं जी शेफ़ सामिया की तरफ भी, देखते हैं उन्होंने मेरे ख्याल में पूरी तैयारी हो चुकी है, तो थोड़ी सी लगे जो आ रही है आज जायज है, कोई बात नहीं, आज सामिया की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे भाई आपको। थैंक यू सो मच। बस अभी प्रिपरेशन चल रही है, मैंने डस्ट करके कॉर्नफ्लोर के साथ उसके ब्रेड क्रम्स में लगा रही हूँ। क्विकली जरा रेसिपी बता दो भाई, बहुत इजी है, वेट किया है इसको इसलिए पूछ रही हूं। बहुत अच्छी रेसिपी है। चिकन के अंदर मैंने सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल लिया है जो की बहुत जबरदस्त है, उसकी खुशबू पूरे फ्लोर पे है, क्योंकि अभी इसको मजीद फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में तो बहुत अच्छा लगता है। आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है, उसमें आपने गार्लिक पेस्ट ऐड करना है, साथ आप लोग चिकन क्यूब्स, बोनलेस चिकन क्यूब्स आप शामिल करेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च, अपने हिसाब से जो आपकी फैमिली को जो सूटेबल लगता हो, ज्यादा या कम। किसी को विनेगर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है तो थोड़ा तेज लगते हैं, किसी को मिर्चें तेज लगती है, वो अपने हिसाब से उसको रख सकते हैं। इसके अलावा जब ये बन जाए आपने आलू को बॉईल करना है ताकि अच्छी तरह वो बाइंड कर सकें। मैंने बाइंडिंग के वक्त बॉईल मैश आलू लिया था और उसमें चिकन ऐड की है रेशा करके, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़, दोनों चीज़ों को ऐड करके फुली लोडेड कहना, फुली लोडेड है और ये बहुत मजे का, उसमें चीज़ भी है तो चिकन भी है तो बिल्कुल। और उसके बाद आपने, उसके बाद जब आप बॉल्स बनाएंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे जो भी फ्रोजन आइटम रखें उसमें आपने कॉर्नफ्लोर जरूर ऐड करना है सबसे पहले, तभी अगर जो चीज में आप चीज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होती है ना वो एक तरीके से सीमेंट का काम करती है कि उसको बिल्कुल बाइंड कर लेती है, कोट कर लेती है। उसके बाद आपने इसको एग वॉश करना है। अच्छा ये याद रहे कि ब्रेड क्रम, एग वॉश और कॉर्नफ्लोर, इन तीनों चीजों में मैंने नमक और काली मिर्च शामिल की है। उसके बाद आप ब्रेड क्रम लगाएंगे, ये जो अंडा बच जाएगा, तो ये जो आपके पास समोसों की मांडा पट्टी नहीं होती, मैंने इसके बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लिए हैं, ओके, वो मैं शामिल करके इसमें पूरा रैप करूंगी और डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर से फ्राई करूंगी। हाँ, कूलर इसको बना के रख भी सकते हैं, रख सकते हैं आप इसको, फ्रीज कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर आप फ्रीज कर रहे हैं घर में बना रहे हैं तो मैदे का इस्तेमाल, अगर आप घर के मैदा इस्तेमाल करें या आलू का समोसा बना रहे हैं तो जब आप उसे फ्रीज करें तो कॉर्नफ्लोर डस्ट करके करें ताकि वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, और जब आपको बहुत ज्यादा रश में हो कि आपको फ्राई करना है तो वो एक दूसरे से फटके निकले। फिर वी विल कम टू यू वंस यू हैव फ्राइड देम। अभी आप इसकी प्रेप्स जारी रखो, हमारे साथ यशफीन भी मौजूद हैं, ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट भी हैं, और काफी देर से हम बातें कर रहे हैं तो यशफीन की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, खूबसूरत सी आवाज है जी, सना खानी के फराइज अंजाम दे रही है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट है, अस्सलाम वालेकुम, खूबसूरत सा कलाम यशफीन सुनाए। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाबो ख्याल ही, जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहां था ख्वाबो ख्याल ही, सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। और ना फसी
तेरा फर्श है वो ही बोरिया, तेरे जिस्म पाक पे एक कबा वो भी तार ही जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही सल्लू अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पढ़ा। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले वो तमाम लोग जो साहिब सरवत हैं, मुखय्यर अफराद हैं, इस महीने में हम जितना दूसरों की मदद करते हैं, जितना अपने माल और असबाब से लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए और बरकतों और रहमतों के रास्ते खोलता है। आपको बताते चले, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बारी फ्रॉम इंडस हॉस्पिटल और इन्हीं के एम्बेसडर, और इनके बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन आज खसूसी तौर पर वी हैव इन्वाइटेड हिम एज अ सेलिब्रिटी एम्बेसडर फॉर इंडस हॉस्पिटल। और इन दोनों की आप सबसे अपील, दरख्वास्त यही है कि तमाम डिटेल्स और हमारे नेटवर्क की भी तमाम डिटेल्स आपकी स्क्रीन्स पे हैं इस वक्त इंडस हॉस्पिटल की। आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस महीने जो भी अतियात ज़कात अगर आप इनको फॉरवर्ड करना चाहें, बिकॉज दिस इज़ फॉर अ ब्रिलियंट कॉज। फेरोज अंकल कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें ज़रूर? मैं बस हाँ जी, बिल्कुल, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, सारे बिजनेस बंद हैं, सारे कारोबार ठप हैं, लेकिन एक बिजनेस जो अल्लाह ताला से डायरेक्ट है वो जारी है। सही। और वो है ज़कात, अतियात, खैरात। ये बिजनेस कर ले, इसमें नुकसान का कोई घर नहीं है, चैलेंज करता हूँ। सुभान अल्लाह। सारे जितने भी देख रहे हैं हमारे नाजरीन जो सुन रहे हैं, इंडस हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है। बहुत अच्छी बात, और इसको हम कंटिन्यू भी करेंगे। बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यकीनन आपके दोस्त बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, खुसूसन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये सादत देता है कि हर रमज़ान आपके साथ गुजरता है, लेकिन जब ये 30 दिन हम आपके साथ होते हैं, हालत रोज़े में भी होते हैं, तमाम टेक्नीशियंस, यानी हम तो फिर सोफे पर बैठ जाते हैं, हमारे कैमरा मैन, हमारे टेक्नीशियंस जो थ्रू आउट इस ट्रांसमिशन खड़े रहते हैं, ऑन देयर टोज होते हैं, कभी इधर भाग कभी उधर भाग। मेरी बहुत अच्छी दोस्त जिसको हमने आज उसकी बर्थडे वाले दिन भी खड़ा किया हुआ है, और वाओ व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल, और ये ईद का है, ये भी मुझे नजमुल सहर ने सेंड किया है शो के लिए कि आप इसको रखिएगा। और ये पोटैटो बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल, आपने कहा कि बिल्कुल कमी महसूस ना हो, आप घर में इस वक्त इफ्तार करें, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि अपने लिए थोड़ा सा उसको फैंसी नहीं बना सकते। और ये बताएं, अब ईद पे भी रखें अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर, या अगर आपके घर पे आप खुद ही अच्छे से इफ्तार बना रहे हैं आज हम, या जिन बच्चों के रोजा कुछ आई है और वो लोग अपने घर पे छोटे से कॉर्नर पे इस किस्म की चीजें जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। नो व्हाट आई रियली लाइक अबाउट सामिया, और ये मैं इसकी बर्थडे पे इसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, शी इज वेरी एंटरप्राइजिंग। ये तमाम जो आप चीजें देख रहे हैं, दिस इज हर नेट वर्क, जो भी हम बात कर रहे थे, शी रन्स अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी, यानी एक फेसबुक कम्युनिटी जिसका नाम सीबो है। अगर आप होम बेस्ड शेफ हैं, होम बेस्ड आप कोई भी बेकिंग चीज़ कर रहे हैं, आप इनके साथ पार्टनर करें, इट विल हेल्प यू ग्रो। जब सिस्टरहुड बनता है ना, मेंटोरिंग साथ होती है, तो एक दूसरे से आइडियाज लेते हैं। सो दिस इज अ क्रिएशन ऑफ समबडी इन योर ग्रुप ओनली। एग्जैक्टली, नजमुल सहर, ग्लोरियस इवेंट वाले, ये लोग खुद अपना हैंडमेड बनाते हैं, जबरदस्त। आप उन्हें अपना कस्टमाइज भी ऑर्डर कर सकते हैं कि अगर आपको कोई आइडिया अच्छा लगता है और आप उसे डाइनिंग टेबल के ऊपर वैसे आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे कहा था आज कर्शी का कोई मिल्क शेक बनने वाला था स्ट्रॉबेरी, कल इंशाल्लाह कोई बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रमजान में जब तक जामे शीरी ना हो तो वो खूबसूरती नहीं आती है, मतलब पूरा आप साल अलग, लेकिन रमजान में लाल शरबत और जी जिस तरह के हमने आपसे कहा कि हमारे साथ टीम मौजूद है इंडस हॉस्पिटल की, ग्रेट इनिशिएटिव, अ ब्राइट फॉर पाकिस्तान। और किरण, मैं इनकी तमाम डिटेल्स आपके सामने चल रही हैं, इनके डॉक्टर्स के शॉर्ट्स आपने देखे, कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। और अक्सर बात जब हम इनसे फंड रेजिंग की करते हैं ना डॉक्टर बारी, मुझे फील होता है कि सिर्फ ये बात कही जा रही है कि मुफ्त इलाज, बगैर पैसों के इलाज मरीजों का, बट थिंक अबाउट इट, देयर आल्सो अ बिग एम्प्लॉय
लॉयर कितने लोगों का वसीला, कितने लोगों का रोजगार भी तो बना है ना। नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है वो भी तो सब, जितने भी डॉक्टर्स या नर्सेज जो एम्प्लॉय हैं उनको जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो तनख्वाहें उनको वहां मिलती है वो ही देते हैं, ये कम में नहीं रखते। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो अपनी फीस कम लेते हैं, वो जो सीनियर लोग सारी फैकल्टी तो वो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका गिविंग बैक है, उनका सर्विस का जज्बा है। जैसे आपने कि ये कहा कि रोजगार हो रहा है, उसके अलावा जो है ना आउटलुक चेंज हो गया है कुरंगी का, बाहर जो है पूरी कम्युनिटी में तब्दीली आ गई है, फिर वहाँ पर जो है ना ज़मीन की वैल्यू बढ़ गई है, फिर वहाँ पर आप देखें कि ठेले वाले आ गए हैं जो कि वो बिजनेसेस है, रिक्शा टैक्सियों का बिजनेस हो गया, इट्स उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। इट्स अ बजिंग कम्युनिटी, एक हिंटरलैंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का, एक दफ़ा फिर इस कार्य खैर की तरफ हम सबको मुतवज्जो करने का, और यकीनन डिटेल्स आपके सामने हैं, आप ज़रूर इसमें कितना भी आईएनए आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा हिस्सा डालना चाहें, बट बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इनिशिएटिव। बहुत शुक्रिया भैरव साहब यहाँ पर मौजूदगी का, डॉक्टर बारी आज नेटवर्क का आपका, और डेफिनेटली ये तो ऐसा काम है सारी ज़िंदगी चलेगा इंशाल्लाह। और अब जैसे जो कोरोना है, अब हमें सारी ज़िंदगी अपना ख्याल रखना है, जैसे निफ्स ईमान है, सफाई, सफाई। हमारे बेसिक है, तो मेरे ख्याल से हम ये भूल चुके थे, तो ये दोबारा से अल्लाह मैंने रिमाइंडर भेजा है, अलार्म लगाया हुआ था हमारे, सफाई रखेंगे तो इंशाल्लाह बच जाएंगे इंशाल्लाह। एक और चीज़ में ये कि हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं कराची में भी और लाहौर में भी। कराची में 1200 बेड पे चले जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्टीमेटली 1800 बेड पे, और लाहौर में हम 600 बेड का है, 200 बेड इस साल शुरू होना। कोई अपने वालदैन के लिए सदका जारिया करना चाहे तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी उसमें। आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट गिफ्ट यू कैन गिव फॉर समबडी, यानी आपके जो प्यारे आपसे बिछड़ गए हैं, मरहूमीन हैं, उनके ईसाले सवाब के लिए इससे बेहतर सदका जारिया नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बारी एंड मेरो सफाई साहब हमारे साथ मौजूदगी का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, उलमाए इकराम भी हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, एक खूबसूरत सी मनकबत भी हमने सुननी है, लेकिन उसके लिए इंतज़ार कीजिए और एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं बारान रहमत। उलमा इकराम से जब हम दीनी मालूमात और रहनुमाई लेते हैं, ये आपका फेवरेट सेगमेंट होता है, और कुछ रोज़ कबल हमने देखा था कि एक बहुत ही दिलखराश कॉल हमने रिसीव की थी, जिसमें खातून ने अपना किस्सा बयान किया, अपनी आप बीती हमसे शेयर की कि उन्होंने एक यतीम बच्ची को लेकर पाला, लेकिन बच्ची जब अब बालिग हो गई, उसकी शादी कर दी गई है, तो वो पलट कर मज़ीद दौलत का, विरासत का तकाज़ा करती है और बहुत बुरा रवैया है। और ये बात करते हुए वो ज़ारो कतार रो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, और हम गुफ्तगु ज़्यादा नहीं कर पाए थे क्योंकि वक्त कम था। लेकिन उस वक्त एक बात उनको कही गई कि जैसे कहा जाता है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, तो फिर ये हमने सोचा कि इसी गुफ्तगु को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए कि हम तो सिले रहमी की नीयत से, किसी के साथ अच्छाई करने की नीयत से उसके साथ कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन क्या उसके बाद वाकई हमें मोहतात हो जाना चाहिए? क्या जिस पे हम अच्छाई जिसके साथ कर रहे हैं वो पलट कर हमें नुकसान भी पहुँचा सकता है? ये सवाल मैं करूँगी। अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर साहब, हमारे बड़े भाइयों की तरह एंड ऑफकोर्स हमें रहनुमाई भी देते हैं इन मामलात पे। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक, दूसरा अशरा मुबारक, आपको भी मुबारक। भाई क्या कहेंगे, ये बड़ा मुझे लगा कि इस तरह तो लोग नेकी करने से, कुछ अच्छा काम करने से घबराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेकी करना चाहिए अल्लाह की रजा के लिए, और नेकी के बदले ये तकाजा इंसान के दिल में आ जाए कि मुझे दुनिया में ही ये रिटर्न देगा, तो फिर वो नेकी अल्लाह के लिए नहीं होती, इंसान अपनी नफ्स के लिए करता है। अब ये अलग बात है कि अगर किसी के साथ नेकी की जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो हदीस मुबारक में आया रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मल्लम यशकुरिल्लाह मल्लम यशकुरिन्नास, कि जो लोग किसी पर एहसान करें वो उसका शुक्रिया अदा ना करें तो इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह के भी शुक्रगुजार बंदे नहीं हैं। और एक हदीस मुबारक में आया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें गोल्डन चीज़ें जो है वो हदिया करता हूँ, तोहफा करता हूँ। और फिर आपने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, जब भी खाओ
तो हलाल खाओ, हराम से बचो, अल्लाह तुम्हें सबसे बढ़कर अजर वाला इबादत वाला बना देगा। और ए अबू हुरैरा, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहोगे तो अल्लाह तुम्हें सबसे बड़ा गनी बना देगा, और जो मैं पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो तो अल्लाह तुम्हें कामिल मोमिन बना देगा। और ए अबू हुरैरा, मुसलमानों के लिए भी वैसा ही चाहो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सबसे बढ़कर कामिल मुसलमान बना देगा। और फिर वो जब मवाखात कायम हुई तो अंसार मदीना ने कहा, या रसूलल्लाह, हम अपने आते एक आधे खेत मुहाजरीन को देते हैं। हुजूर ने फरमाया, इनको तो खेती बाड़ी नहीं आती। फरमाई, अपने घरों में रहे, काम भी हम करेंगे, अजर भी आधा इनको देंगे। तो मुहाजरीन ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो सारा अजर हम ले जाएंगे, जब हमें बैठे बिठाए सब कुछ ये दे रहे हैं तो अल्लाह के हाँ अजर इनके पास ज़्यादा चला जाएगा। वो भी बड़े खुददार लोग थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि तुम जब तक इनकी तारीफ करते रहोगे, शुक्रिया अदा करते रहोगे तो, और अल्लाह से इनके हक में दुआएं मांगते रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें भी अजर अता फरमाएगा। तो मालूम हुआ कि जब कोई किसी पर एहसान करे, अच्छा उसके साथ बिहेव करे, हत्ता के सलाम भी करे, तो सलाम करने वाला फ़कत इतना कि अस्सलामु अलैकुम तो जवाब दो, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, इदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा। कोई तुम्हें अगर हदिया देता है तो तुम उससे दुगना उसको हदिया दो, अगर तुम में इस्तेदात है। तो यकीनी तौर पर यही इस्लाम की तालीम है। फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत हत्ता युमिनुम, जब तक कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक ईमान ना ले आए, वला युमिनु हत्ता तहाबू, और कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक के एक दूसरे पर एहसान ना करे, एक दूसरे को तोहफा ना दे, और वलन 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 तुहादू हत्ता अफशु सलाम बैनकुम, और तुम एक दूसरे को हदिया उस वक्त तक नहीं दे पाओगे जब तक के एक दूसरे को सलाम ना करो। तो यकीनी तौर पर इस्लाम में दोनों चीज़ों को बैलेंस किया गया कि तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे कराबतदारों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में कोई मुस्तहिक है तो उसकी मदद करो। अब जिसकी मदद की जाए वो अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा करता है तो इसका मतलब ये है कि उसने किसी ना किसी हद तक उसको रिटर्न कर दिया है। लेकिन कभी कभी मेरा जो सवाल करने का मकसद है जमील भाई, ये बातें तो ठीक हैं कि आप अल्लाह ताला की रजा के लिए किसी के साथ अच्छाई करते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ अच्छाई की हो और वो पलट के आपके साथ बुरा करे या कुछ ऐसा करे जिससे आपके दिल को तकलीफ हो या आप यू नो अफसरदा हो जाएं, तो उस वक्त जो एक वसवसा दिल में आता है कि देखो मैंने तो इसके साथ अच्छाई की फिर भी इससे मेरे साथ ये किया, तब उस वक्त अपनी अना को, अपनी खुदी को कैसे इंसान ख़त्म करे? देखिए, अगर उसने देखिए मैं जब भी कुछ करता हूँ, हत्ता के अपने माँ बाप से भी मिलता हूँ, हालांकि वो मेरे मोहसिन हैं जी, वो रब के बाद उन्होंने मुझे परवरिश किया है, वो तो परवरिश करने वाला हकीकी है, लेकिन मजाजन मेरे वालिदैन ने किया, लेकिन मैं अपनी माँ के माथे पर बोसा दूँ, उनके पैर दबाऊँ, हाथ दबाऊँ, तो मैं बोलता हूँ कि अल्लाह तू मुझसे राज़ी रहे इसलिए कि मेरे माँ बाप मुझसे राज़ी हैं। तो यकीनी तौर पर अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम रखना चाहिए और फिर उसके बाद करना चाहिए। आम तौर पर देखिए हम शायद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि हमें एक बच्चा चाहिए और हम उसकी परवरिश करना चाहते हैं। आम तौर पर इंसान बच्चों की परवरिश भी अपने ही लिए करता है, इसलिए कि उसके पास औलाद नहीं होती। बड़ी अच्छी बात है, सॉरी आपकी कतः कलामी कर रही हूँ, लेकिन जिन खातून का मैंने जिक्र किया था कॉलर का, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, वो डायरेक्टली भी आपसे मेरे ख्याल में सवाल करना चाहेंगी, बात पूछना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैम सो सॉरी, उस वक्त कम था, आपसे बात नहीं हो पाई, आपकी बात अधूरी रह गई थी, तो हमने सोचा कि आज इस हवाले से जरूर बात की जाए। मेरे साथ डॉक्टर जमील राठौर साहब मौजूद हैं, कुछ मैंने आपका जो मामला है उनसे शेयर किया, कुछ और आप इनसे बात करना चाहती हैं, कोई बाकायदा आपका सवाल है तो जरूर पूछिए। जी मेरा बिल्कुल है बेटा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, और मेरा बहुत एहतराम के साथ इनको मेरा सलाम है, और बहुत यानी कि मैं सलाम देती हूँ और दुआएं बहुत है बेटा, और ये क्या कहते हैं, अल्लाह ताला तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियां दिखाए, और हर आफत और मुसीबत से अल्लाह ताला बचा के रखे और अपनी पनाह में रखे। तो बेटा मेरा ये है कि मैंने अडॉप्ट की थी बेटी, तो मेरे ये समझ लें कि आप बस ये समझ लो बेटा, मेरे आंखों से ना
आंसू नहीं निकलते, खून निकलता है। मैं 2 साल हो गई अफतारी बैठी होती हूँ, नजरें मेरे दरवाजे पे होती हैं कि ये बच्ची मेरे पास आ जाएगी। वो मुझे माँ नहीं समझती है, मुझे कहती है मेरी माँ नहीं हो, मुझे मारती है, पीटती है, कहती है तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, मर जाओ तुम्हारे कब्र में कीड़े पड़ेंगे। उसका शोर भी उसके घर यानी कि सारा यानी कि वो लोग उसको समझाते हैं, उसको करते हैं, वो खुद भी नहीं आना चाहती है। बेटा मेरी उसके सिवा कोई औलाद नहीं है, कोई नहीं, मेरे उससे कोई लालच नहीं है। मेरा बस ये है कि मैं अगर मर गई ना तो मेरे बाद उसको कोई पूछने वाला बेटा नहीं होगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, कोई उसको अपने दरवाजे पे नहीं खड़ा करेगा। बच्ची का नाम मेरी हिंजा है। मैम आपसे अगर मैं एक सवाल करूं कि वो आपसे इतनी ज्यादा नाराज या बदजन क्यों हो गई, क्या वजह बनी, कोई कोई बात हुई थी? यही तो पूछना चाहती हूँ, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ क्यों अपनी माँ से तुम इतनी नाराज हो गई, क्या ऐसा हो गया कि जो तुमसे नाराज हो गई हो? हमने उसको बेटा बहुत खुशियाँ दी है, इतना हमने उसको खुश रखा है कि कभी हमने हाथ नहीं लगाया। मेरे मरहूम शौहर उसको बेटा जब छोटी थी कंधों पे लिए बैठते थे, उसकी हर फरमाइश हर उसकी चीज उसकी पूरा करा करते थे, पढ़ाया लिखाया, दीनी तालीम भी दी। बहुत प्यारी बच्ची थी, मैं आपको बताऊँ बहुत प्यारी बच्ची थी वो, इतनी प्यारी बच्ची थी मैं आपको बयान नहीं कर सकती, इतनी फरमा बरदार बच्ची थी। वहां जाने के बाद इसने गालियां सीख ली, इसने बुरा भला कहना इसने सीख लिया। वो लोग जेवर मांगते हैं कि जेवर दे दो तो ये दे दो, तो वो मेरा तो बेटा कोई ऐसा, मैं बेवा औरत हूँ, मेरा तो कोई ऐसा आगे पीछे कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि वो अपने ससुराल के प्रेशर में आके उसका ये रवैया तब्दील हुआ है? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आती नहीं है दरवाजे पे, मैं उसके पास मिलने के लिए गई, बेटा मेरे पास छुरी लेके खड़ी हो गई मुझे मारने के लिए। उसका ससुर भी आता है, देवर भी आता है, मारते हैं, धक्का देते हैं बेटा मुझको, मुझे बहुत बुरा भला मुझे बोलते नहीं। आपकी तकलीफ आपका कर्ब हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए कि इस वक्त आप क्या चाहेंगे कि डॉक्टर जमील आपकी किस तरह रहनुमाई करें? मैं इतना चाहती हूँ कि उन तक ये आवाज मेरी पहुँचे कि जो पालता है उसका क्या हक है, जो पालता है उसका क्या हक है, माँ बाप की क्या नाफरमानी है। वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ नहीं है, उन्होंने पाला है तुमको, माँ नहीं है तो बेटा 18 साल रखा है मैंने, यानी कि उसको ये तो नहीं है कि शादी कर दी, शादी के बाद तुम लोग मेरे साथ इस तरीके से करो, मैंने क्या गुनाह किया? आपका सवाल समझ गई। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, और खास तौर पे ये जो बाबरकत महीना है इसमें अल्लाह ताला लोगों के दिल बदल देता है, उनकी नजर को खोल देता है। तो अल्लाह ताला से हमारी भी दुआ यही है कि जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसका रवैया इतना खराब हो गया जो आपको इतनी तकलीफ दे रहा है, अल्लाह ताला उसमें रद्दो बदल करे। आप प्रोग्राम देखें, मैं डॉक्टर जमील से आपके लिए इस बारे में मशवरा भी करती हूँ, देखते हैं कि वो हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। जी जमील भाई, देखिए मैं अर्ज़ करूँ कि उनके लिए, उस बच्ची के लिए दुआएं की जा सकती हैं, हिदायत की दुआ की जा सकती है, और अगर वो सुन रही हों तो शायद उनके दिल में ख्याल आ जाए कि मुझे माँ ना होते हुए माँ का प्यार दिया है, तो यकीनी तौर पर ये उनके माँ के हुक्म में है। और हुजूर अकरम तारदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माँ के बड़े फजाइल बनाए, उन्हें तो अपनी जन्नत को महरूम हो गई है वो, इसलिए कि जन्नत तो माँ के कदमों तले। एक सहाबी आए कि या रसूलल्लाह मैंने अपनी वालदा को ऐन गर्मियों की शिद्दत के दिनों में, कि जब अंडा अगर या गोश्त की बोटी ज़मीन पर डाल दी जाए तो वो बॉयल हो जाती थी, ऐसी गर्मी में अपने वालदा को अपने साथ जो है वो अपने कांधों पर बिठाकर हज करवाया, तो या रसूलल्लाह मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक दफ़ा उन्होंने बचपन में तुझे मुस्कुराकर देखा था तो उसका भी हक अदा नहीं किया है। तो यकीनी तौर पर अब समझाया जा सकता, वरना आखिरत का तो बड़ा भयानक अंजाम है। जमील भाई, जो मैं इनका सवाल समझ पाई हूँ, मेरे ख्याल में जहाँ पे बहुत सारे लोग भटक जाते हैं या फिर मुगालते में पड़ जाते हैं, वो ये होता है कि हकीकी माँ वर्सेस रज़ाई माँ या पालने वाली माँ। तो अगर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ही रहनुमाई लेते हैं, तो हज़रत बीबी हलीमा के साथ जो उनका रवैया था कि वो आती थी घर पे तो ख़ुद अपनी चादर मुबारक ज़मीन पर बिछा कर उनका इस्तकबाल करते थे, तो ये तफरीक तो करनी ही नहीं चाहिए। बेशक हलीमा सादिया एक मरतबा आई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, तो आपने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि इसकी मदद करनी है। ज़ाहिर है आप ताजिरा थी, बहुत बड़ी माल और दौलत आपके पास था, और ये सारा माल और दौलत इसी तरह खर्च हुआ, तो उन्होंने बाकायदा उनको 40 बकरियाँ तोहफ़ा अता फरमाई, ऊँट तोहफ़ा अता फरमाया और दीगर चीज़ें तोहफ़ा अता फरमाई। तो रज़ाई माँ का एहतराम आप इतना करते थे, हद तो ये है कि उनकी बेटी शीमा
जो आ जाया करती थी उनके लिए भी आप चादर बिछाते। एक जंगे गजबा हुनैन में वो कैदियों की तरफ से आई और उन्होंने कहा मैं मोहम्मद की बहन हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो जब उन्होंने सहाबा ने सुना, हालांकि कैदियों में थी, तो उनके दिल लरस कर रह गए। हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने उनको पाबंद सलासल देकर रो दिया, आपने फौरन बेड़ियाँ खोली, अपने साथ बिठाया और उनकी वजह से सारे कबीले को माफ़ कर दिया। और आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी, आप उनको जब भी आती, हालांकि कनीज थी उनकी जो है वो और कोई रिश्ता नहीं था बज़ाहिर, जिसको हम गवर्नर से आया या कुछ और खादिमा कहते हैं, मुलाजिम वो थी। हुजूर के पास आती तो हुजूर चादर बिछाते, आप फरमाते अंत उम्मी बाद उम्मी, मेरी माँ के बाद तुम ही मेरी माँ हो। तो यकीनी तौर पर जब कनीज थी वालिद की, उसको माँ बना दिया, तो इन्होंने तो परवरिश की है, उसकी बादोबूश की है, उसको ग्रो किया है, एहसान किया है उस पर। और खुसूसन ये एहसान के हवाले से जमील भाई मेरी इस्लाह कीजिएगा अगर मैं गलती पे हूँ, ये भी कहा जाता है कि जिस तरह उस वक्त की अरब रिवायात थी, तो हज़रत बीबी हलीमा ने जब ये फैसला किया था या उन्होंने अपनी सर्विसेज को ऑफ़र किया था बतौर रज़ाई माँ के, तो आप देखें कि उस वक्त कितने सारे बच्चे थे उस कबीले के, और ऐसे बच्चे भी थे जिनके वालदैन के पास बहुत माल और असबाब था। ये तो सब जानते थे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, और शायद अगर आप रज़ाई माँ के तौर पे ये खिदमत सर अंजाम देंगी भी तो कोई मालो जर ज़्यादा नहीं मिलना था। लेकिन इस बात को वो बहुत कहते हैं कि ये एहसान था उनका बहुत बड़ा कि उन्होंने सिलेक्शन की, और फिर जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने उनको क्या रुतबा दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब किया, देखना ये कि उन्होंने अच्छाई दी, अच्छाई का बदला अच्छाई है। कुरान में वाज़ेह तौर पर अहादीस मुबारक में बार बार बताया गया, बारिदु बिल आमाल, कि नेकी कामों में जल्दी करो, बिल्कुल सबकत करो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के आलम में हज़रत हलीमा सादिया की ऊँटनी सबसे लागर थी, तो आपने उसी वक्त ही एहसान का बदला चुकाना शुरू किया। और वो ऊँटनी पर जैसे ही बैठते हैं, हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरी ऊँटनी एकदम तरोताज़ा हो गई, जिसका ऊँटनी की हड्डियों का गुदा भी ख़त्म हो गया था, वो एकदम तरोताज़ा हुई और इस तरह दौड़ी कि सारी ऊँटनियों से आगे निकल गई, और सारी वो कह रही थी काश के इस बच्चे को हमने छोड़ा था, हम इसे ले लेते। और फिर जाकर उनके ताइफ में भी, उनके मकान पर जहाँ जाते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल साया करता, उनकी बकरियाँ सबसे तवाना हो गई, सबसे ज़्यादा खुशहाल हो गए। तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर उन्होंने एहसान किया तो अल्लाह ही ने उसी एहसान का बदला चुकाना शुरू किया। तो यकीनी तौर पर मैं ये समझता हूँ इनकी जो मुँह बोली बेटी हैं जिनकी इन्होंने परवरिश की, उनको चाहिए कि ये उनकी माँ है, माँ के दर्जे में उनका एहतराम करें। अगर कुछ दे नहीं सकती तो कम अज़ कम आकर उनका शुक्रिया अदा करें, इस्माइल तो दे उनको। और यानी अगर आप इस मुखालते में हैं कि हकीकी माँ या परवरिश करने वाली माँ या पालने वाली माँ, तो मैं तो ये समझती हूँ जिस तरह की तकालीफ, यानी मेरे ख्याल में ये और बड़े जिगर की, बहुत बड़े हौसले और ज़र्फ़ की बात होती है कि जिसको आपने पैदा नहीं किया, आप उस बच्चे की तकलीफ़ में भी उसके साथ खड़े हुए हों, आप उस बच्चे को भी उठाकर प्यार करें, उस पर ममता निछावर करें जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अगर पालने वाली माँ यानी पैदा करने वाली माँ के बराबर नहीं है तो बेशक उससे कम भी नहीं हो सकता। बेशक देखिए पैदा करने की अपनी मुशक्क़त है, इसलिए हुजूर के पास सहाबी आए कि मन अहसनु बिहक्की, मेरे हुस्न सलूक का हकदार कौन है, फरमाया अंत उम्मी अंत उम्मी अंत उम्मी, चौथी मरतबा अंत अबू का, कि पहले तीन हक तुम्हारी माँ के हैं, यकीनन उसने तुम्हें पेट में रखा, फिर तुम्हें परवरिश दी, फिर तुम्हें दूध पिलाया, ये तीन हक माँ के ज़्यादा बताए गए हैं। तो यकीनी तौर पर माँ का दर्जा जो है वालिद के दर्जे से ज़्यादा बुलंद रखा है इस्लाम ने। लेकिन इसके साथ साथ ये भी उनकी माँ है कि अगर माँ ने पाला और किफालत नहीं कर सकी तो ये उन्होंने उनकी किफालत की, उनको परवरिश दी, उसको पढ़ाया लिखाया। अब अगर वो अपने घर में चली गई हैं, इनके पास माल नहीं है, तो ये ना हो कि इनके माल ना होने की वजह से इन्हें मिलना छोड़ दें, नफरत का इजहार करें। और आप वो भी नेकियां ना गवा दें जो आपने अगर कम सनी के दौर में, जब कहती हैं कि पहले मेरी बेटी फरमा बरदार थी, बड़ी खिदमतें भी की, कहीं वो नेकियाँ भी आपकी ज़ाया ना हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सब को, एक रिवायत में ये भी है कि अगर माँ को नाराज कर दिए जाए तो अल्लाह ना उसकी नमाजें मकबूल करता है ना हज मकबूल करता है। आप देखें तो ये आपकी नेकियां, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, आपको हिदायत दे। और आपकी वालदा जिन्होंने तड़प कर, मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा उन्होंने कॉल की, हम जो लोग तमाम स्टूडियो में उनकी आवाज़ सुन रहे हैं, जो टेलीविजन पर उनको देख रहे हैं, वो कर्बज़दा हो जाते हैं। तो अल्लाह करे कि आपके दिल में भी नरमी पैदा हो और हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया जमील भाई यहाँ पर मौजूद होने का। अब इस सेगमेंट को हम अपने इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था
सकता। और यशफीन हमारे साथ हैं, तो एक खूबसूरत सी मनकबत सुनते हैं और इसके साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। सिद्रावा जी, मैंने पढ़नी तो मनकबत थी, लेकिन अब मौजूदा जी आप लोगों की बातें सुनकर तो मैं चाहूँगी कि माँ की शान में एक कलाम पेश करें। बेशक, बिस्मिल्लाह कीजिए। मावा करूंगी अच्छावा, मावा करूंगी अच्छावा, मंगो दुआवा, बिछड़न ना कदी मावा, मावा करूंगी अच्छावा, हाय मावा करूंगी अच्छावा, मंगो दुआवा, बिछड़न ना कदी मावा, मावा करूंगी अच्छावा, मथा चुमदी सीने लांदी सौ सौ बारी सदके जांदी, बच्चियां ले जद हाथ उठांदी ए दी आवाज अर्श ते जांदी, कर दी ए सानाल दुआवा, मावा करम दिया छावा, मंगो दुआवा, बिछड़न ना कदी मावा, मावा करम दिया छावा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, यकीनन दूसरा अशर रमज़ान मुबारक का, जिसमें हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार चाहते हैं और इस्तग़फ़ार के साथ साथ हमारे लिए कुछ ऐसे वसीले बना दे कि हम अल्लाह ताला से क़ुर्बत इख्तियार कर सकें, उनके औलिया इकराम, उनके अंबिया के बताए हुए रास्ते पर चल सकें। अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि आम ज़िंदगी में इस महीने के अलावा जब हम रोज़मर्रा के अपने कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि कब सुबह से शाम होती है, शाम से रात होती है, हमें पता ही नहीं चलता। कई दफ़ा मैं अपनी पर्सनली आपसे बात करूं कि हम वक्त इतना तेज़ी से जाता हुआ देखते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कज़ा नमाजें साथ अदा कर रहे होते हैं। लेकिन क्या बात है, क्या बरकत है इस महीने की कि हर चीज़ ऐसा लगता है वक्त में बरकत आ गई है और हम उसको बहुत आसानी से उसके वक्त पे कर पाते हैं। अच्छा, आज ज़रा बात करना चाहेंगे, जिस तरह हमेशा हम एक तारीखी पस मंज़र, बड़ी इंटरेस्टिंग कोई रिपोर्ट आपके पास लेके आते हैं। आप में से जितने लोगों का इत्तेफाक हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह यानी खाने काबा की ज्यारत करने का, वहाँ पे उम्रा या हज अदा करने का, तो अक्सर ये सवाल किया जाता है हतीम के हवाले से। हतीम का दूसरा नाम हिजर इस्माइल भी है और कई रिवायतों के मुताबिक यहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी हाजरा और कई अम्बिया की कबूर भी हैं। ये 3 मीटर तक का एक रकबा है और इसको समझा जाए एक सेमी सर्कल की एक पोजीशन सी दी गई है। आप इसको देख सकते हैं बआसानी जब आप खाने काबा का टॉप शॉट देखते हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। आप देखें हर वक्त ये जगह लोगों से भरी हुई होती है और लोग वहाँ पे नवाफिल अदा करते हैं। एक रिवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ओरिजिनली ये हतीम का हिस्सा खाने काबा के अंदर ही वाक़ था और यहाँ पर नमाज अदा करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सुबहान अल्लाह आपने खाने काबा के अंदर नमाज अदा की हो। और यकीनन यहाँ पे की हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। सिर्फ इसको मेरे ख्याल में ख्याल रखना चाहिए कि जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हम थोड़े से खुदगर्ज हो जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पे गुजारें। जिस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी सी जगह है तो हर एक की ख्वाहिश होती है वहाँ जाने की, तो वक्त थोड़ा कलील है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद दूसरों को भी मौका दीजिए। मेरा हमेशा इत्तेफाक हुआ है वहाँ पर बहुत अच्छे लोगों से मिलने का, जो ना सिर्फ अपने लिए जगह बना लेते हैं बल्कि अगर आप नवाफिल अदा कर रहे हो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स हों तो आपकी भी मदद कर देते हैं। लेकिन इसकी असल तारीख क्या है,
जब ये ओरिजिनली खाने काबा का हिस्सा था तो फिर ये बाहर कैसे रहा? जब मेरे ख्याल में 65 हिजरी में दोबारा तामीर हुई उसके बाद इसको इस तरह से हम देखते हैं जैसे आज हमने इसको पाया है। लेकिन खुसूसी तौर पर अगर आप फजर के औकात में यहाँ पर पहुँचें तो इसकी बाकायदा इस जगह को क्लीन किया जा रहा होता है, इसकी तहजीन और आरइश, इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम होता है। खूबसूरत भीनी भीनी उस वक्त आपको डिटर्जेंट्स की और चीज़ों की खुशबू आ रही होती है, इसको खुशबुओं में नहलाया जा रहा होता है, अलग से इसको इत्र लगाया जा रहा होता है और उस वक्त सुबह सादिक का वक्त होता है। इसका हमें यही हवाला मिलता है कि जब आप तवाफ़ काबा करते हैं तो यकीनन आप हतीम को भी इसमें शामिल करते हैं, यानी इसके इर्द गिर्द ही तवाफ़ किया जाता है। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोगों को अगर आप नोट करें तो उनकी कोशिश होती है कि हतीम की जो छोटी सी दीवार है उसको हाथ लगा लिया जाए, और बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने खाने काबा को छू लिया। खैर, वहाँ की तो हर दर व दीवार, हर सुतून, हर जगह ऐसी है जिस तरह आप समझे ना कि काबे को तो देखना भी इबादत, काबे के यानी हरम पाक में अगर आपकी आँख लग जाए तो वो भी इबादत में शुमार होती है। और यकीनन हमारी आँख ने ये मनाज़र भी देखे जब कुछ दिनों के लिए मताफ में एंट्री को ख़त्म किया गया और वहाँ पे आप नहीं जा सकते थे तो लोगों का, जो लोग वहाँ पे तवाफ़ कर रहे थे उनका कदरे जो नंबर्स थे वो कम हुए। लेकिन आप अक्सर देखें कि अबाबील, परिंदे खाने काबा का तवाफ़ करते आपको नज़र आते हैं, तो यकीनन एक अलग ही समा है वहाँ पे। और कहा जाता है कि फ़रिश्तों की, मलाइका की इतनी बड़ी तादाद है कि वो भी अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हज पे या उम्रे पे या बैतुल्लाह की ज़्यारत करने दी जाए, कि हम उसका एक तवाफ़ करके आएँ। तो ना सिर्फ हम इंसानों के लिए बल्कि तमाम जिनों, इंस और फरिश्ते और मलाइका के लिए अल्लाह ताला का कहर बहुत ही मोतबर है। और कई रिवायतों में ये भी कहा जाता है कि जिस तरह हम आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की कुर्सी का जिक्र करते हैं तो ये कुर्सी ऐन खाने काबा के ऊपर सातवें आसमान पे है। लेकिन ये रिवायतें हैं और यकीनन इसके बारे में जस्तजू हमें होती है, लेकिन कहा जाता है कि जो आपके सामने है, जो आप कर सकते हैं आसानी से, पहले उन चीज़ पर फोकस कीजिए। वंस अगेन जी, अशरा दूसरा है, अस्तगफार का अशरा है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का अशरा है। दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पर हमसे कई गलतियाँ हो जाती हैं, कई दफ़ा हमें गलती करने से पता होता है, हम चाह रहे होते हैं कि ये बात हमसे सरजद ना हो। मैं आपको आज ही की बात बताऊं, हमारे इर्द गिर्द क्योंकि गर्मी बहुत शदीद है, इस वक्त कराची में टेम्परेचर्स 40 से तजावुज़ किए गए हैं, लोगों ने जाहिर सी बात है इसमें रोज़ा भी रखा हुआ है, तो टेम्पर्स आर रियली राइजिंग हाई। और हर इंसान की कोशिश है कि वो अपने गुस्से पे काबू रखे, लेकिन जब आप किसी के सामने होते हैं और वो उसकी ज़रा सी कोई बात आपको ट्रिगर कर जाए तो ये काबू रखना मुश्किल हो जाता है, सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज़ हो जाता है। लेकिन आज कोशिश कीजिए कि गर्मी के इस टाइम में या तो डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मुझे लगता है ये अल्लाह ताला ने ख़ास हम पे मेहरबानी की है ताकि इस गर्मी के मौसम में जब आप हालत रोज़े में हों और अल्लाह ताला से लौ लगा रहे हों, बहुत सारी दिल में तकलीफ़ें भी उभर आती हैं ना, यानी अगर ख्वाहिश है, ख्वाहिश के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, उसकी रहमत के इनकारी तो नहीं है, उसकी रहमत से पुरउम्मीद हैं, लेकिन साथ साथ अपनी तकलीफ़ के, अब मेरी आरज़ू मेरे पास नहीं है, इसकी तकलीफ़ भी आपके पास है। तो यकीनन मेरे ख्याल में ये तमाम जब हमारे जहनों में थॉट्स चल रही होती हैं तो कहीं ना कहीं हम डगमगा जाते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि अगर आपकी किसी से दिल आज़ारी हो जाए, कोई सख्त लफ्ज़ आप कह दें तो आपको इतना मौका मिले कि आप उसको माफ़ कर दें और गलती पर माफ़ी भी मांग लें। इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, आखिरी कुछ लम्हे आपके साथ, जिस तरह के आपको पता है हम आपके साथ लाइव होते हैं फ्रॉम 1 PM टू 3 PM थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान। और ये रमज़ान मेरे ख्याल में ये कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बहुत मुख्तलिफ है। और ना सिर्फ ये कि हमारे अतवार, हमारा लाइफ स्टाइल, हम किस तरह घरों से निकलते थे, काम करते थे, उन सब में तब्दीली आई है, बल्कि आप ये देखें कि अगर आपकी हर रमज़ान ये रिवायत थी कि आप अगर साहिब सरवत हैं तो लोगों की ख़ास अंदाज़ में मदद करते थे। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं कोमल, वो जब प्रोग्राम में आई तो उन्होंने कहा कि जी मैं हर साल एक दस्तरखान का इनेकाद करती थी घर के पास और रोज़ाना 200-300 लोग उस पर महजूज़ होते थे, रोज़ा इफ्तार करते थे। लेकिन अब जब सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है,
तो इस तरह का कोई अमल नहीं हो सकता। अपने दोस्तों को अगर हम बुला के इफ्तार उनके साथ करते थे वो नहीं हो सकता। घर से बाहर निकलना, कम्युनिटी वर्क करना मुश्किल है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि ये महीना जो अल्लाह ताला का ख़ास तोहफ़ा है हमारे लिए, जिसमें हम अल्लाह ताला से तिजारत कर सकते हैं, रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं, तो क्या हम इसको जाने देंगे? क्या नेकियों का सिलसिला रुक जाएगा? जब अल्लाह ताला रहमत की अनवार की बारिश हम पे कर रहा है तो यकीनन नेकी करने का जहाँ जज्बा है तो नेकी का सफ़र भी नहीं रुकना चाहिए। यही पैगाम है आपका सर्फ एक्सेल की तरफ से आपके लिए कि ख़ास तौर पे जब नेकियों की बारिश हो रही है, रहमतें जारी हैं, तो फिर नहीं, नेकी को भी नहीं रुकना चाहिए। ये बड़ा ही अहम पैगाम है और कोई नया तरीका निकालिए। अगर आपको लगता था कि आप हमेशा कोशिश करते थे बजाते खुद रकम को किसी इदारे में जाके जमा करा के आते थे, अब आप ये काम ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप दस्तरखान अपने घर के बाहर नहीं सजा सकते, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है और आप उनकी खुद मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह आपने हमारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स को, बड़े बड़े फ़ैशन हाउसेज़ को देखा कि वक्त ज़रूरत क्या है इस वक्त, कि ईद के कपड़े नहीं, शायद हमारे डॉक्टर्स के लिए PPEs और मास्क ज़्यादा अहम हैं, तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया अपनी फैक्ट्रीज़ को, अपने पूरे पूरे सिस्टम्स को, प्रोसीजर्स को इस कार्य खैर के लिए। तो आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, यकीनन आपको भी नेकी के बहुत सारे मौके नज़र आएंगे। जब आपके दिल में ये नीयत आपने कर ली है कि अल्लाह ताला से मदद मांगी है कि किसी तरह मुझसे वो काम ले ले जिसके लिए तूने मुझे मामूर किया है, मुझसे अपनी खलकत के लिए आसानियाँ पैदा करवा, यहाँ तक कि एक रास्ते में चलते हुए अगर आपको नज़र आ जाए कि एक पत्थर है और आपने उसको हटा दिया, वो भी आपके लिए नेकी का बायस है। लेकिन क्या कहें, हम में से कई लोग हैं जो शायद इस तरह नहीं सोचते। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था जब लोगों ने वो वीडियोस दिखाई कि ATM में बकायदा हमारी हिफाजत के लिए, हमारी आसानी के लिए हैंड सैनिटाइजर्स रखे गए, और जब एक वक्त ऐसा आया कि बीच में हैंड सैनिटाइजर्स शॉर्ट हो गए, तो बकायदा जो शख्स अंदर जाता था बगैर ये सोचे कि अगले आने वाले की ज़रूरत हो सकती थी, वो सैनिटाइज़र की बोतल जेब में रख के चलता बनता था, और बकायदा CCTV कैमराज ने इसको ये कैच किया। हमें तो उलट करना चाहिए। आप इर्द गिर्द नज़र तो डराइए, पूरी दुनिया में जहाँ पे सैनिटाइजर्स नहीं हैं, जहाँ मास्क नहीं है, जहाँ ग्लव्स नहीं हैं, वहाँ सदका जारिया के तौर पे, सदका खैर के तौर पे लोगों ने बकायदा जाके ये चीज़ें स्टॉक कर दी हैं। बड़े बड़े ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई COVID-19 की वजह से जो अकेला है, आपकी बिल्डिंग में हो सकता है कोई बुज़ुर्ग शख्स अकेला रहता हो और उसके बच्चे इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, उसके पास नहीं आ सकते, तो क्या चला जाएगा अगर फ़ोन उठा के दो मिनट उनसे बात कर लेंगे और उनकी तन्हाई को थोड़ा कम कर देंगे। ये दुआएं और ये नेकियां इसी तरह जारी और सारी रहनी चाहिए। मैंने आपको कुछ आइडियाज़ दिए, आप भी हमें पढ़ के बताइए। आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं ऑन माय फेसबुक, ऑन सोशल मीडिया, एंड टेल मी कि आपने नेकी करने का कौन सा नया तरीका अपनाया है, क्योंकि नेकी नहीं रुकनी चाहिए। हमारे प्रोग्राम का वक्त इतना ही है और प्रोग्राम के इख्तिताम पे हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़, एक और सराखान मोहम्मद अली मोईज़ शामिल हैं। मैं इनसे गुजारिश करूँगी कि कोई प्यारा सा कलाम सुनाएं, और इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد خوشبوے پہ ہم آتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں خوشبوے پہ ہم آتی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں یوں سانسے مہکی مہکی ہے بیٹھا ہوں مسجد نبوی میں رمضان کی بہاریں آئی ہیں بخشش کا مجدہ لائی ہے رمضان کی بہاریں آئی ہیں
बख्शिश का मुजदा लाई है, रहमत की घटाएं बरसी है। बैठा हूँ मस्जिद नबवी में, नजरे गए गुंबद खजरा पे, हाथों में खजूर मदीने की, नजरे गए गुंबद खजरा पे, हाथों में खजूर मदीने की। इफ्तार की घड़ियां आई हैं, बैठा हूँ मस्जिद नबी में, खुशबूए पैगम आती है, मशगूल दुरूदों में